अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक होंगे। ये जो मैदा आप देख रहे हैं ये 1 किलो से थोड़ा सा कम है और इससे आज हम बनाने वाले हैं 100 पट्टियाँ, समोसा पट्टियाँ। ठीक है, यानी 1 किलो के तकरीबन लगभग मैदे से हम बनाएंगे 100 पट्टियाँ और इससे यानी 15-20 दिन आपके आराम से कट जाएंगे। जी, ये 3 पाव के करीब जो मैदा है इसमें से थोड़ा सा मैंने निकाल लिया है खुशके के लिए, बाकी जो है ना उसका हमने बनाना है अब समोसा पट्टियाँ। तो इसके दरमियान में जगह बना लेंगे और इसमें डालेंगे नमक और थोड़ा सा ज़ीरा। ठीक है, जो नए हैं चैनल में वो जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयरिंग भी कर लीजिए अपने अजीज़ वकारीब में, ताकि उनको अच्छी अच्छी वीडियो मिल सके। रोज़ाना व्लॉग में वीडियो आ रही हैं तो आप देखिए और दूर लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। ये देखिए, मैं थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ और इसके साथ मैं बाइंड करूँगी। अब बाइंड करके आपको दिखाती हूँ, ये देखें, हल्का हल्का सा इसे बाइंड करूंगी और थोड़ी देर के लिए इसको रेस्ट भी दूंगी। साथ में जुड़े रहिए, बने रहिए, ताकि आप भी 1 किलो के करीब मैदे के साथ 100 समोसे पट्टियाँ बना सकें। और इसको अब मैंने बाइंड किया है और थोड़ी देर रेस्ट दिया है। ठीक है, थोड़ी देर रेस्ट दे के मैं दोबारा मुक्की दे रही हूँ। एक मुक्की इसको लगा लेंगे और फिर इसको एक बाउल में डाल के थोड़ी देर के लिए रख देंगे। उतनी देर मैं थोड़ा सा काम करूँगी, फिर आपको मिलूँगी। इसके बाद जब रेस्ट इसको दे लिया, ये देखें, इसका मुलायम सा आटा टेक्सचर हमारा तैयार हो गया है। तो अब करना है क्या, इसको बाउल में शिफ्ट करना है और पेड़े करके मैं आपको मिलूँगी। ठीक है, ये देखिए जी, पेड़े मैंने कर लिए हैं और इसको रोटी के पेड़ों की तरह मैंने किया है। कितने सारे पेड़े हुए हैं और इसकी पट्टियाँ कितनी सारी होंगी ये आप देख लीजिएगा, और किस तरह करनी है ये भी देख लीजिएगा। तो जुड़े रहिए, बने रहिए चैनल में। और इसको ढक दिया मैंने ताकि इस पर खुश्की ना आ जाए, खुश्क हो जाती हैं फिर सख्त हो जाएंगी पट्टियाँ। आप ये देखिए, एक एक करके मैं अपना पेड़ा ले रही हूँ और इसकी रोटियाँ बनाएंगे पतली पतली। आप अपने तवे के या फ्राई पैन के हिसाब से देख लीजिएगा कैसे किस तरह बनानी है। एक दफ़ा नाप लीजिएगा एक रोटी बना के, तब एस्टिमेट हो जाता है कि हाँ भाई इतना हमारे तवे पर आएगा या फ्राई पैन में आएगा। आप जुड़े रहिए, बने रहिए और देखते रहिए कि किस तरह से रोटी बन रही हैं। ये देख लीजिए, एक तो रोटी बना के दिखाई है मैंने आपको कितनी बारीक है और बड़ी है। इसी तरह मैं बना बना के आपको दिखाऊंगी। और इस पे जो हमने लगाना है वो भी देख लीजिए कि कैसे लगाना है। ये मैंने रोटियां 3-4 मैंने बेल ली हैं और इसके ऊपर अब ऑयल और मैदा लगाएंगे। वो उसका तरीका आप देख लीजिए कि किस तरह से ये रोटियां फटाफट फिर उतरेंगी और पक पक के, और हम इसकी बनाएंगे फटाफट से जी पट्टियां। उसकी कटिंग भी बताऊंगी कि किस तरह से करनी है, जिससे आपको 100 पट्टियां मिलेंगी। ठीक है, ये ऑयल है, ऑयल और ये टेस्ट के लिए आटा है, मैदा है सॉरी। तो आप जुड़े रहिए, बने रहिए और ये देखिए, एक रोटी ले लीजिए। मैंने एक रोटी लिया और इस पर कंजूसी नहीं करनी, ऑयल हमने पहले नहीं डाला, आपने देखा था। अब हम अप्लाई करेंगे इस पर ऑयल, और ऑयल पे और मैदे पे कंजूसी नहीं करनी। मैं बार बार कह रही हूँ क्योंकि इस पर जितना ऑयल और मैदा टस्ट होगा उतनी ही जल्दी ये रोटियाँ निकलती जाएंगी। खुद ब खुद से आपसे कहेंगी कि हमें निकाल दीजिए, तो आप यकीन माने कि बहुत अच्छी हमारे पास पट्टियाँ बनने वाली हैं। ऐसे लगेगा जैसे बाज़ार से समोसे लेके आए हैं। बहुत ही अच्छी और खस्ता पट्टियाँ हासिल करने के लिए हमारे तरीके की तरफ देखिए, नोटिस कीजिए। ठीक है, ये देखिए। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो जाके सब्सक्राइब कर लीजिए काइंडली, क्योंकि ये आपकी तरफ से प्यार होता है जो हमें मिलता है। ठीक है, हम बहुत मेहनत से आपके लिए ढूंढ ढूंढ के रेसिपीज लेके आते हैं। ये देखिए, मैंने दूसरी पे भी ऐसे किए,
आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक छोटा सा लाइक भी कर दीजिएगा, इससे ही हौसला अफजाई हमारी होती है और हम मज़ीद अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आपके लिए लेके आएंगे, ताकि आप हमारे व्यूज़ हैं, हम आपके लिए मेहनत करते हैं। ये देखें, इसको इक्वली कर लेंगे बाइंड और फिर मज़ीद रोटी बना लेंगे, ताकि एक ही दफ़ा में बहुत सारी रोटियां हमें हासिल हो सकें। चलें जी, और रोटियां मैंने बेल ली हैं और ये देखें वही वाला प्रोसीजर दोबारा से कर रही हूँ मैं। ये देखें, आपने देख लिया, चार चार रोटियों का जो है ना मैंने बनाना है, पहले चार रोटियों का, अब ये फिर चार रोटियों का। यानी मैंने 20 रोटियां पेड़े किए थे, तो मैंने 20 पेड़ों से चार चार रोटियों की 5 दफ़ा रोटियां बनाई हैं। ठीक है, तो इसी तरह हमने बार बार कर लेना है। और एक ही दफ़ा बस ये मैं दिखा रही हूँ, फिर मैं आपको बना के दिखाऊँगी कि किस तरह से बनाती है। मैंने कहा फिर एक दफ़ा दिखा दूँ, ताकि कोई मिस्टेक्स ना हो जाए। तो ये देखें वही प्रोसीजर है, पहले ऑयल लगाना है, अच्छे से ऑयल लगाना है, किनारों पे भी लगाइएगा ताकि किनारे चिपक ना जाएं, फिर टूट जाएंगे जब आप इसको उतारेंगे। तो अच्छे से किनारों पे भी ऑयल लगाएं और साथ में रोटी डाल दें। देखें मैंने दूसरी रोटी इस पर डाली, अब दूसरी रोटी के ऊपर फिर लगाना है, फिर तीसरी रोटी ऐसे ही डालनी है। प्रोसीजर सारा वही है, जाके सब्सक्राइब कर लीजिए रबिया उमर व्लॉग को, ताकि अच्छी अच्छी रेसिपीज़ हम आपके लिए लेके आएँ। अगर थोड़ा सा बल आ गए हैं तो ये निकल जाएंगे, इसमें कोई बात नहीं है। ये जब मैंने पट्टियाँ बनाई तो कोई बल नहीं थे, ये रिमूव हो जाते हैं थोड़े थोड़े से, आप कर लीजिए, इसके इसमें कोई बल नहीं आएंगे। और जुड़े रहिए, बने रहिए और देखते रहिए कि किस तरह से हम मेहनत कर रहे हैं आपके लिए लेके आए हैं आज पट्टियों की रेसिपी, सस्ते से सस्ती रेसिपी। आप यकीन माने सिर्फ 1 किलो से कम भी मैदे में हमने बनाई है 100 पट्टी, और हम चाहते हैं कि आप लोग भी अपने घरों में बनाएं इसी तरह समोसा पट्टी, ताकि आपके भी पैसे बच जाएं। ठीक है, लोग रोज़े खुलवाते हैं और इतने सारे पैसे लग जाते हैं बाहर से समोसे मंगवाते हुए, 35 रुपये का 30 रुपये का एक समोसा आ रहा है। यकीन माने घर में आलू का मिक्सचर बनाएं, दाल का मिक्सचर बनाएं, मसाला बना लें, जैसे मर्ज़ी आप बना लें, ऐसे रोटी बनाएं और खिलाएं, अफ्तारी करवाएं, आपके कम बजट में बहुत अच्छा सा समोसे बन जाएंगे क्रिस्पी। ये देखिए मैंने आप डाल के भी दिखा रही हूँ, बस इसको थोड़ा सा आप साइडों से दबाते रहें और थोड़ा थोड़ा प्रेस करके हिलाते रहें, तो ये रोटी खुद बोलेगी कि भाई मुझे निकाल दीजिए, मैं अब तैयार हो गई हूँ। ये देखें, आपको नज़र आ गई होंगी, एक एक पार्ट इसकी नज़र आ रही है। जब हम इसको साइड बदलेंगे तो ये आपको खुद ब खुद बताएगी कि हाँ भाई रेडी हैं हम। तो अभी इसकी साइड बदलती हूँ मैं, थोड़ा सा गर्म लग रही थी मुझे। ये देखिए मैंने साइड बदली है, चिमटे की मदद से मैंने इसकी साइड बदली है, और अब आपको दिखाती भी हूँ मैं उठा के। ये देखें, मैंने कोई चीज़ भी नहीं लगाई और आराम से इजीली ये हो जाएंगी अलहदा से अलहदा। ठीक है, अब ये देखिएगा कैसे तैयार होती रहती है। अब मैंने सारी तैयार कर ली है ना, तो ये देखें अब बस उतरती रहनी। ये देखें कैसे कैसे हमारी रोटियां हैं ना वो बन गई हैं। अब इसकी कटिंग भी आपको करके दिखाऊंगी, ढेरों ढेर रोटियां मैंने बना ली हैं। इसको ढक दिया था मैंने कपड़े के साथ, ताकि खुश्क ना हो जाए, और इसको रुमाल के साथ ऊपर मैंने ये देखें ढक ढक के रखती रही हूँ, ताकि खुश्क ना हो जाए, क्योंकि ये थोड़ा सा गीली होती है ना, तो अंदर से जैसे इसको हवा लगती है तो खुश्क हो जाती है। खुश्क ना होने दीजिएगा, ऊपर लाजमी से कपड़ा डालिएगा। तो इसी तरह अब हम कटिंग करके आपको दिखाएंगे, साथ जुड़े रहिए, बने रहिए और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और हमें अपनी दुआ में शामिल रखिएगा। ये देखें 2.5 से 3 इंच का एक समोसा पट्टी होती है, तो इसको मैं 3 इंच के समोसा पट्टी काट रही हूँ, 3 इंच के समोसा पट्टी काटनी है मैंने। आपने एक
स्केल ले लेना है, उससे आपने लाजमी से पेमाइश कर लेनी है 2.5 से 3 इंच। मैं 3 इंच का काटूंगी, अगर आपको 2.5 काटना हो तो 2.5 काट सकते हैं। ये 3 इंच की पट्टियां मैंने काटनी है, 3 3 इंच की, ठीक है। मैं सिर्फ निशान लगा रही हूँ, फिर मैं सीधा रख के इसको काट दूँगी। ये देखिए थोड़ा सा नीचे से रह गया है, हम अब नीचे से नीचे तक करेंगे, फिर भी थोड़ा सा जुड़ा हुआ है, नीचे वाला पोर्शन सिर्फ रह गया है, तो इसको अच्छे तरीके से मैं काटूंगी और आपको दिखाऊंगी। ये देखें मैंने साइडें इसकी रख ली थी, तो जो साइडें थी ना वो उसकी पापड़ियाँ बन जाती हैं। आप पकौड़ियों में, दही भल्लों में इस्तेमाल करें पापड़ी, बहुत मज़े के बच्चे खाते हैं, बच्चे ही खा जाते हैं, मेरे तो बच्चे ही खा गए सारी। इसमें से अच्छा मैंने 10 जो है ना पट्टियाँ वो मैंने रख ली हैं, वो मैंने ना समोसे बना लिए। आज फ्राइडे थे, इनके पापा घर पे थे बच्चों के उमर साहब, तो उन्होंने कहा भाई मुझे चिकन वाले आलू वाले ना समोसे बना के, तो उन्हीं की खिदमत करने के लिए ये तकल्लुफ़ किया। तो मैंने कहा चलें इसकी वीडियो भी रेडी कर लेते हैं। ये देखिए कितनी सारी पट्टियां हैं, ये देखें कितनी सारी पट्टियां हैं, आप यकीन माने ये 3 पाउच की जो है ना उसी से बनी है। थोड़ी मेहनत ज़रूर है लेकिन कीजिए अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए। और ढेरों ढेर जो ये समोसे आपको नज़र आ रहे हैं 2 ट्रे में, तो ये 2 ट्रे जो है ना भर भर के मैंने समोसे बनाए हैं, और इसमें 10 हमने खा भी चुके हैं, ठीक है। इसके 10 हमने हज़म कर लिए हैं, रोज़ा खोल लिया है। आप भी अपने रोज़ों के लिए बनाएं, इन पट्टियाँ घर में बनाएं और इसको सेफ भी करें। मैंने बाकी ये सेफ करके रखे हैं, आपको मैं दिखाती हूँ। मैंने जिप वाले बैग जो होते हैं ना, जो घर में अक्सर पड़े होते हैं हमारे, तो उसी में मैंने इसको लॉक करके रख दिया। ये जो 2 हैं ये पड़े हुए हैं, ये ऊपर जाने हैं, अभी फ्रिज में जगह नहीं ये वाले इसीलिए मेरी तस्वीर है। ओके, लाफीज़।